ओम कामेश्वरी शशांकाश्याम खेलत खंजन लोचनाम सदालोल गतिम कांताम कुसुमास्त्र शिली मुखीम। अर्थात कामेश्वरी योगिनी चंद्रवदना है, यानी कि पूर्णिमासी के चंद्रमा के समान उनके स्वरूप की कांति है और वो सारे जगत को प्रकाशमान कर रही है, ऐसी देवी की शोभा है। उनके हाथों में कामदेव के समान पुष्पवाण है और सदा सबको मोहित कर देने वाली और अपने भक्त की हर लालसा को पूर्ण करने वाली, अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने वाली, हर विपत्ति संकट से उसको तारने वाली, रक्षा करने वाली देवी कामेश्वरी बड़ी ही ताकतवर और शक्तिशाली योगिनी मानी जाती है। यानी कि इसकी सिद्धि करने के पश्चात में व्यक्ति एक आम आदमी नहीं रह जाता, अपितु वह एक शक्तिशाली सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न बन जाता है। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर संसार तक को मोहित कर देने की ताकत आ जाती है। इतनी विशेषताओं से युक्त यह देवी बड़ी ही शक्तिशाली और अति गुह्य है, यानी कि गोपनीय है। यहाँ तक कि महादेव ने माता पार्वती को इस योगिनी के बारे में कहा था कि देवी ये प्रयोग, ये कामेश्वरी योगिनी इतनी गुप्त है कि इसे स्वनिवत गुप्तम, यानी कि इसे अपने योनि के समान गुप्त रखने की जरूरत है। इतनी यह बड़ी ही गोपनीय रहस्यमय साधना मानी जाती है। इसलिए इस साधना को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को पवित्र एकांत वातावरण की आवश्यकता पड़ती है और उसके पश्चात ही ये साधना आरंभ करनी चाहिए। योगिनी की साधना हमेशा किसी भी माह के पूर्णमासी या शुक्रवार की रात से शुरू की जा सकती है। साधक को चाहिए कि जिस स्थान पर साधना कर रहा है वह स्थान सात्विक हो, शुद्ध हो और पवित्र हो, और साधन शुरू करने से पहले उस स्थान को, यानी कि अपने घर के कक्ष को, आप पूर्ण रूप से पवित्र कर दीजिए और उसके पश्चात में गंगा जल का उसमें छिड़काव कीजिए। और साधन काल के दौरान तक घर के अंदर मांसाहार या शराब का प्रवेश बिल्कुल भी कदापि नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से एक मास तक पवित्रता ऐसा वातावरण रहना चाहिए और 3 सप्ताह के बाद में देवी की सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। और रात्रि काल में इसका प्रयोग ये है कि अपने स्थान पर बैठ जाए, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो, और तत्पश्चात कामेश्वरी योगिनी का सिद्ध यंत्र जो अपने गुरु से ही प्राप्त करके तत्पश्चात अपने सामने रखें और सिद्ध कामेश्वरी गुटिका को यंत्र के समकक्ष रखना चाहिए। तत्पश्चात दोनों का पंचोपचार पूजन करके करने के पश्चात में हमें शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उसके पश्चात में देवी का इस प्रकार से पुनः ध्यान करना चाहिए। कामेश्वरी शशांकाश्याम खेलत खंजन लोचनाम सदालोल गतिम कांताम कुसुमास्त्र शिली मुखीम। इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात में देवी का ध्यान धरें, तत्पश्चात आप मंत्र जप आरंभ करें और मंत्र जप अपने गुरु से ही प्राप्त करके तत्पश्चात उनके निर्देशानुसार ही करना चाहिए, अन्यथा किसी न किसी प्रकार का विविधान साधना काल में आने का कुछ भय रहता है। तत्पश्चात साधना काल की जो अनुभूतियाँ होती है, जैसे जैसे व्यक्ति मंत्र जप करता है और 3 से 4 दिन के बाद में ही अनुभूतियाँ आरंभ हो जाती है, यानी कि पारलौकिक ताकतों को व्यक्ति अपनी आंखों से देख सकता है, महसूस कर सकता है। तत्पश्चात में उन अंतरिक्ष की ताकतों को, यानी कि ये जो शक्तियां हैं, ये अंतरिक्ष की ताकतें हैं। देखिए, पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग लोक के बीच में जो लोक है उसे अंतरिक्ष लोक कहा जाता है, जिसमें विशेष प्रकार की ताकतें शक्तियां और ये देवी की परिचारिकाएं विद्यमान रहती है, और इन सबके पास में अनुभूतियां और अनेक प्रकार की शक्तियां होती है। यह हम मनुष्यों के समान नहीं होती है, इनके पास में कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो कि देवी देवताओं के पास में ही होती है, और उन शक्तियों को व्यक्ति इनके द्वारा प्राप्त कर सकता है और उसके पश्चात में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे व्यवसाय का कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे शत्रु बाधा हो, चाहे किसी भी प्रकार की बाधा क्यों न हो, ये देवी, इस देवी की सिद्धि करने के पश्चात में साधक को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, अपितु साधक के पास में हजारों हाथियों का बल रहता है। यानी कि वह साधक एक आम आदमी ना बल्कि एक सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न बन जाता है और चहु और उसकी ख्याति होती है, और विशेष रूप से हर प्रकार के कार्य करने में व्यक्ति संगम बन जाता है। यानी कि ऐसा जीवन में कोई कार्य है ही नहीं, या इस धरा पे ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वह साधक संपन्न नहीं कर सके, अपितु वह हर कार्य को संपन्न कर सकता है, बशर्ते इस साधना को पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाए और अपने गुरु से ही मार्गदर्शन लेकर के उनके मार्गदर्शन में ही ये साधना आरंभ करें और तत्पश्चात इस साधना को करें। क्योंकि
जो भी देवी भक्त होते हैं उनको, शक्ति उपासक जितने भी हैं उनको ये सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। जिन लोगों की देवी में आस्था नहीं होती है, आस्था कम होती है, उनको इस कार्य के अंदर पहली बार में सफलता नहीं मिलती है या कुछ मुश्किलें आ सकती है। मगर जो देवी में उपासना रखते हैं, देवी भक्त पहले से हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा बन जाती है, क्योंकि ये देवियाँ, ये योगिनियाँ कुबेर लोक की देवियाँ मानी जाती है और इनका स्थान कुबेर लोक है। और विशेष रूप से हर प्रकार से साधक के धन की अभिलाषा को पूर्ण कर देने में सक्षम ये देवी मानी जाती है। और हर प्रकार से कोई भी बाधा अगर व्यक्ति के जीवन में उपस्थित हो रही है, उस बाधा को दूर करने में देवी सक्षम है। देवी अपने साधक के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षित घेरा विद्यमान करती है, एक ऐसा सुरक्षित कवच विद्यमान करती है जो कि पारदर्शी होता है, उसे देखा नहीं जा सकता, बशर्ते वो कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कई सौ योजन तक उसकी ताकत होती है। इसलिए इस कवच को धारण अपने आप ही देवी स्वयं करवा देती है और साधक की सुरक्षा का जिम्मा देवी के हाथों में होता है। और हर प्रकार से देवी अपने साधक को हर बाधा से सुरक्षित निकाल करके ले आती है। और अगर शत्रु चाहे कैसा भी हो और उस साधक से अगर टकराने की कोशिश करता है तो मृत्यु लोक उस व्यक्ति से दूर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए इतनी ताकतवर यह शक्तिशाली साधना मानी जाती है और अवश्य ही यह साधना साधक को करनी चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। कई साधक ऐसे होते हैं कि साधन तो आरंभ कर देते हैं मगर अपने ब्रह्मचर्य को वो कुछ दिनों तक ही निरसुरक्षित रख पाते हैं, तो पश्चात वो ब्रह्मचर्य को खंडित कर देते हैं, जिससे कि साधना में बाधा आ जाती है। और कई लोगों को नशा पता करने का शौक भी होता है, तो मगर ऐसे साधना के दौरान नशा पते से दूर रहना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका ध्यान लगेगा नहीं, और अगर ध्यान नहीं लगेगा तो आप देवी का ध्यान कैसे कर पाएंगे। और अगर आप इन नियमों का पालन करके अगर ये साधना करते हैं तो अवश्य ही आपको साधना के अंतिम दिनों में देवी के दर्शन अवश्य होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये देवी बड़ी ताकतवर है और शक्तिशाली है और मनुष्य की हर अभिलाषा को पूर्ण कर देने में ये देवी सक्षम मानी जाती है। और विशेष रूप से एकांत कमरे में ही इसकी सिद्धि मिलती है। व्यक्ति अपने शयन कक्ष के अंदर भी ये साधन कर सकता है, पूजा कक्ष में भी साधन कर सकता है। इस बात का ध्यान रहे कि जिस स्थान पर यह साधना हो रही है, चाहे आप किसी देवालय में जाकर के साधना करते हैं, तो ये बात ध्यान रहे कि शयन भी उस स्थान पर अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अर्धरात्रि की वेला में ही देवी का प्राकट्य होता है और विशेष रूप से कई प्रकार की अनुभूतियाँ साधक को होती है। इस दौरान कई प्रकार के देवी प्रयोग और किसी प्रकार से साधक को सूचित करने की कोशिश करती है, अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश करती है। तेज सुगंध आपको महसूस हो सकती है तो उस समय गंध आप समझ करके समझ जाएं कि देवी आपके आसपास ही है और आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और इस प्रकार से निरंतर साधना करते जाएँ, कई प्रकार की अनुभूतियाँ इस साधना के दौरान होती है और 10-15 दिनों के पश्चात में विशेष अनुभूतियां साधक को होने लग जाती है। ऐसे में कई साधक भटक जाते हैं, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, मगर प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शक्ति जाने का इससे भय रहता है। और इसके अलावा आप पूर्ण रूप से 21 दिन तक ये साधना अवश्य करें और अर्धरात्रि की मेला में अवश्य ही देवी दर्शन देती है, इसमें संदेह नहीं है। और देवी के प्रकट होते ही एक चंदन का जल भरा हुआ तांबे का तामपत्र का अपने पास में रखें, उस तामपत्र में आप जल भर कर के रखें, तांबे के लोटे में जल भर कर रखें, उसके अंदर चंदन पुष्प और चावल हमेशा तैयार रखें। और जैसे ही देवी का प्रकट्य हो अपने पास पुष्प भी रखें, तो उनको पुष्पासन दे करके उनके सामने बैठ करके और उनको वह अर्घ देना चाहिए। अगर माला चल रही है तो माला बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, माला पूर्ण करने के पश्चात में ही देवी को अभिवादन कहना चाहिए। उसके पश्चात में ही देवी जब बोले तत्पश्चात उनकी बात सुनने के पश्चात ही वो जैसा कहे वैसा करें। और जब देवी पूछे कि तुमने किस कारण से मुझे बुलाया है, तो अपनी व्यथा अपना दुख उनको बताएं, अवश्य ही देवी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। और इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। मंत्र दोबारा सुने, ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। मंत्र अपने गुरु से साधन सामग्री लेने के पश्चात में ही, अपने गुरु मुख से मंत्र लेने के पश्चात ही साधक को सफलता मिलती है, क्योंकि जो गुरु साधना देता है तो वो अपने मुख से ही साधक के कान में इस मंत्र को बोलता है, तो गुरु की शक्तियाँ स्फुटित होकर के उस तरंगों के माध्यम से उस साधक के पास में पहुँचती है। तत्पश्चात तो वह जब साधक माला फेरता है, मंत्र जप करता है, निरंतर मंत्र जप करते करते वह मंत्र जब तरंगों के माध्यम से उन लोग तक